एक अप्रैल तक कितने लोग आएंगे आज की तारीख में मेरे लिए बता पाना, मार्च में बैठ करके बड़ा देखो संभव डाटा सर आप में फिट होगा जो अप्लाई करेंगे तो ऐसा। अब जब आदमी जब मैं 1 अप्रैल को 18 साल का होऊंगा उसके बाद ही तो अप्लाई करूंगा यार। तो नहीं उन्होंने ये बोला है कि जो करेंगे मतलब जिन्होंने कर दिया है वो पात्र होंगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने भी कर दिया होगा ना तभी तो पात्र होंगे। ठीक है जो हाँ एक सेकंड की बात, जो एडवांस जिनके सबमिशन एडवांस हमारे पास आ गए हैं उन पे प्रोसेस करके 5000 के आस ये राजीव जी ने बोला है बिल्कुल नाम थोड़ा सा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है आपने बता दिया। हाँ एक सेकंड सुन लेते हैं अभी 564 है असेंबली में कितना हुआ था कौन बताएगा, कोई है विनय कहाँ कितने थे असेंबली वाले में कितने थे वोटर की संख्या 560 थे भी 564 थे। हाँ और एग्जैक्ट आपको और बता देंगे देख के जी। नहीं उसमें आज मैंने हमने आज दिन में हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बैठक की थी और कल भी कुछ पत्रकार साथियों को मैंने बता दिया था और अखबार में आया भी है। देखिए आप सभी को स्पष्ट हो कि आर्थिक सहायता के प्रकरण या प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे अभी ओला पाला भूकंप वगैरह वगैरह इस प्रकार के प्रकरणों में सहायता राशि बांटने पे कोई रोक नहीं है। पिछली बार भी आयोग की अनुमति लेकर के विधानसभा के दौरान 3000 से अधिक प्रकरणों में हम लोगों ने अनुमति तत्काल प्राप्त करके राज्य सरकार को दिया था। 12 से 15 करोड़ रुपए हम लोगों ने कहा था तो हमें पता है कि अस्पताल को जो पैसा जाता है या जो बीमारी है इसमें वो आचार संहिता से उसका कोई रोक नहीं होना चाहिए, तो इसमें कहीं कोई रोक नहीं है, मानवीय आधार पे तत्काल स्वीकृति मिलती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर आपने दो चीजें नहीं बताई सर, एक तो कितनी कंपनियां यहाँ लगेंगी बोर्ड की और दूसरा कितने